पीपल वेलकम बैक टू द चैनल अभी आप लोगों ने कुछ शॉर्ट्स देखे थे जो मैंने लंबे मारे थे राइट देर येस पीपल टूडे वे गोइंग टू मेक अ ट्यूटोरियल वीडियो अगेन जिसमें मैं बताऊँगा हाउ डू यू शूट अ फुटबॉल लॉन्ग इन दी एयर या जो लंबे पासिस होते हैं लॉन्ग पासिस होते हैं वो आप कैसे करते हो तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो टिप्स दूंगा कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता दूंगा आई विल ऑल्सो टेल यू थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस वाइलर प्रैक्टिसिंग दिसट्टर यूर फिनिश प्रैक्टिसिंग इट लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना अब लॉन्ग बॉल जो होती है इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन हम फुटबॉल किस तरह से लॉफ्ट चिप करते हैं स्लैश चिप करते हैं एंड एक्चुअली हम जो फुटबॉल को शूट लेते हैं वो कैसे होता है तो वो थोड़ा सा मिक्सचर है दोनों के बीच का पहली चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है एक तो पहली चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा सिंपल है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं मानना पहली चीज़ अपन हिटिंग एरिया देखेंगे बॉल ले लो बॉल रख लो कहीं पे भी खेल रहे हो मट पे कंक्रीट पे कहीं भी नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द फुटबॉल राइट सेंटर ऑफ द फुटबॉल पे नहीं मारना है थोड़ा सा नीचे ये जो पोशन है ना ये हमारा हिटिंग एरिया होना चाहिए टू डू द लॉन्ग बॉल अब हिटिंग एरिया हमारे पैरों के ऊपर कहाँ होना चाहिए राइट ये हमारे फीट है करेक्ट नाउ नाव आर द लेसेस जहाँ से हम शॉर्ट लेते हैं लेसेस से नहीं लेना है हमें शॉर्ट लेना है यहाँ से थोड़ी लेसेस वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे और थोड़ा जो टो वाला है ना हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ से हमें शॉर्ट लेना है करेक्ट सो द आ कनेक्टिंग टू द फुटबॉल शुड भी द कनेक्शन पॉइंट शुड भी कुछ इस तरह से नीचे जो है ना इस तरह से ये ये जो है ना ये जब हम शॉर्ट लेते तब हम पूरी तरह से ये करते हैं राइट right? यहाँ पे इस तरह से नहीं यहाँ पे हल्का सा नीचे एंड देन जस्ट ये होना चाहिए हमारा हिटिंग पॉइंट नाउ कमिंग टू द अदर थिंग दैट इज द रन अप अब किस तरह अप लेना है ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा चौड़ा नहीं कुछ नहीं यहाँ पर खड़ो बॉल के बस पाँच स्टेप पीछे ले लो यार एक दो तीन चार पाँच ठीक है पाँच स्टेप ले लो छः दो एक स्टेप और पीछे आ जाओ अगर ज़्यादा लग रहा है तो नाव ये से पीछे और मैं बताता हूँ क्या करना है रनअप के टाइम पे भी अब बॉल वहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हो एकदम एडज टू द फुटबॉल तो बिल्कुल खड़े नहीं रहना है एकदम आड़े भी टू द फुटबॉल बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है थोड़ा सा स्लांट ठीक है अगर ये 90 डिग्री है तो अगर ऑप्टिव के साइड पकड़ोगे तो थोड़ा सा 110, 120 टेन हंड्रेड डिग्री से खड़ा रहना है ज़्यादा खड़ा नहीं रहना है एंड देन जब आप शॉट लेने जाते हो तो फिर यहाँ पे आता तो मैं आपको बताता तो, हूँ तब आपका जो पॉस्चर है वो किस तरह होना चाहिए अब जब आप शॉट लेने जाते हो तो फिर आपको जैसे ही बॉल की तरफ देखते हो आप लोग करेक्ट तो हमने बताया किस तरह से नाउ द चेस्ट पॉइंट शुड बी एक्चुअली इन पॉस्चर नाउ द चेस्ट शुड नॉट बी वेरी डाउन या बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए थोड़ा ऊपर बट हाई एंड देन जो आपकी हैंड मूवमेंट होती है प्रेफरेबली ऐसे बट ठीक है लोगों के हैंड मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं दैट्स कंप्लीटली ओके एंड देन यू हैव टू बैंग इट इस तरह से आई डू इट और आप लोग को दिखा दो मैं किस तरह से होता है एक्चुअली वैसे आपने पहले शॉर्ट्स में देखा था बट आई शो यू कैसे होता है नाउ बॉल यहाँ पर रखी है ठीक है एंड नाउ मैंने पाँच स्टेप ले लिया एंड इस तरह से बॉल लंबी ट्रैवल करती है सिंपल है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं distance, है अल शो यू द डिस्टेंस अगर आप लोग को चाहिए एक बार तो दिस वॉज हाउ द मूवमेंट एंड हाउ इट शुड लुक फ्रॉम द साइड अभी एक बार डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो किस तरह जाता है ठीक है सो so, इस तरह से बॉल इजीली उड़ जाती है अब आपका डायरेक्शन वरैक्शन जो है वो अलग चीज़ है बट ठीक है जो बॉल उड़ाने का जो प्रोसीजर होता है जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह ही होता है सिंपल है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है पीपल वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ नाउ इज एक्चुअली जब हम एक्चुअली शॉर्ट लेने जाते हैं ना तो बहुत टाइम हमारे जो फीट है वो स्विंग मूवमेंट किस तरह होती है वो हमें देखना पड़ेगा अब बॉल रखी गई है ठीक है मैं बॉल पे नहीं मारूंगा बट द स्विंग मूवमेंट शुड बी लाइक दिस फ्लिक करते हुए हल्का सा पर ऊपर जैसे कि ये है बॉल देखो ये जब फ्लिक मूवमेंट की ना तो कैसे बॉल ऊपर चली गई आई शोड यू यहाँ पे साइड में कैसे करते हो तो उस तरह से आपको फ्लिक मूवमेंट करके ही आपकी बॉल लंबी जाएगी सो so, जो जा आपकी बॉडी की मूवमेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ यू डू नॉट गो एंड लॉफ द फुटबॉल क्योंकि आप जब लॉफ्ट करते हो सब बेसिकली लॉफ फुटबॉल ऐसे होती है कि जब हम नीचे होते हो इस तरह से लॉफ्ट होकर बॉल लंबी जाती है इस तरह से ये जो होता है जो लॉफ्ट होते ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसमें इतनी बॉल ऊँची जाएगी नहीं पावर आपने देखा कितनी कम जनरेट होती है और उतनी ऊँची जाएगी भी नहीं सो दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग बॉल पीपल रिमेंबर वी हैव टू हिट अ लॉन्ग बॉल दूर मारनी है फुटबॉल वी डू नॉट हैव टू लॉफ्ट इट द लास्ट थिंग दैट यू एक्चुअली हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ द कनेक्शन दैट यू बिल्ड विद द फुटबॉल देखो ज़्यादातर अपने को ये लगता है कि सीधा मारते सीधा मारते सेंटर में मारते टेक केयर आप वो ना करो थोड़ा नीचे से मारो ट्राई कनेक्टिंग इट विथ योर फीट जो मैंने आप लोग को पहले बताया था यहाँ से जो मूवमेंट है मारने की ट्राई कनेक्टिंग इट और कोशिश करो कि बॉल ऊँचा मारो जितना बॉल ऊँचा जाएगी ना उतना एक्चुअली सही रहता है जैसे अभी यहाँ पे है बॉल तो ट्राई करो कि ऊँची जाए ऊँची जाती है ना तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई जाएगी 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 अपने को भी मोटिवेशन अच्छा आता है एंड सैटिस्फाई भी आप फील करते हो कि चलो यू आर प्रोग्रेसिंग एटलीस्ट समवेयर सो ऑलवेज ट्राई टू हिट इट अप इन दी

मार दो तो बॉल ज़्यादा लंबी जाएगी ज़्यादा वेलोसिटी मिलती है ज़्यादा स्पीड मिलती है तो ज़्यादा जल्दी जाती है आई शो यू दिस अगेन जब बॉल रोल हो रही है इस तरह से तब जाके मार दो इस तरह से तो क्या होता है कि आप जितना जल्दी मारोगे ना जितनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ भाई जाएगी सैटिस्फाइड आप फील करते कि हो कि हाँ चलो बॉल एटलीस्ट उड़ तो रही है तो इन योर हैड ऑल्सो आर लाइक कि चलो एटलीस्ट आई एम प्रोग्रेसिंग तो दिस इज़ वन ट्रिक वन टिप दैट यू कैन डू कि बॉल रोलिंग में रखो मोशन में रखो और तब आप जाके लॉन्ग बॉल मारने की कोशिश करो तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है स्पीड बढ़ जाती है ऑलरेडी थोड़ा सा फ्रिक्शन पकड़ा रहता है बॉल ने तो आप और पावर ऐड कर देते हो तो बॉल इजीली ऊपर उड़ जाती है दिस फ्रिंगजर्स टू दी एंड ऑफ द वीडियो आई होप वीडियो अच्छा लगाओ सब लोग बोलते रहते हो तो भाई टिप्स ट्रिक्स भैया कुछ बना दिया करो सर कुछ बनाया करो बना के दिया है फॉलो करना अच्छा लगे तो बता देना कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की तो भाई प्रथा आपको पता ही है क्या करना होता है और कंटेंट आइडियाज़ अगर देने हैं तो वो भी दे सकते हो और फुटबॉल ट्यूटोरियल वीडियोस आएंगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे लगातार आते रहेंगे शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो यार सब्सक्राइब जो रेट है ना जो नॉन सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब वाला है स्क्रीन शॉट डालूंगा ना तो फिर मेरे को भी देख के बुरा लगता है आपको भी बुरा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल पीपल एन सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम